गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर 7 जग्स एंड मग्स. ओके. बन्नी एंड बानू सेलिब्रेट देयर वेडिंग एनिवर्सरी. बन्नी और बानू जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. डू यू रिमेंबर द वेडिंग इन बन्नीज फैमिली लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर जो बन्नी ने वेडिंग सेलिब्रेट की थी तो आपको याद ही होगा. सी द मैथ मैजिक क्लास 3rd पेज 153. तो आपने लास्ट ईयर जो आपकी क्लास थी 3rd क्लास उसमें पेज नंबर 153 पर आपने ये रीड किया होगा. बन्नी एंड बानू डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी 1 ईयर आफ्टर देयर वेडिंग. बन्नी और बानू ने आफ्टर 1 ईयर 1 साल के बाद अपनी वेडिंग की पार्टी के लिए जो है वो डिसाइड किया. दे इन्वाइटेड देयर फैमिली फ्रेंड्स. तो उन्होंने अपनी फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट किया. तो जैसे आपके भी पार्टी होती है तो आप भी क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज को आप क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं. दे मेड अ स्पेशल स्वीट डिश. तो उन्होंने एक स्वीट डिश बनाई, खीर. आप सब खीर खाते हो जो चावल और दूध से बनती है. ओके. ऑल द एनिमल्स केम रनिंग होपिंग एंड इवन क्रॉलिंग. तो सभी एनिमल्स जो थे वो कोई दौड़ के आ रहा था, कोई उछल के आ रहा था, कोई क्रॉल करके आ रहा था. द फ्रॉग होप अलॉन्ग द 9 other friends. तो फ्रॉग जो है वो अपने 9 other friends के साथ जो है वो आ रहा है. ही सेट ओ वी ओनली वॉन्ट 100 milliliters each. तो हमें हर एक को 100 milliliters जो है वो खीर चाहिए. ओके. हेयर इज योर खीर. ये तुम्हारी खीर है. सेट द कैट. कैट कहती है ओके ठीक है. वाइल सर्विंग द खीर शी टुक 10 glasses एंड प्योर 100 milliliters खीर इन ईच ग्लास. तो वो क्या करती है, 10 glass ले लेती है और 10 glass में वो खीर डालती है. तो एक ग्लास में कितना डालती है वो, 100 milliliters जो है वो खीर डाल देती है. द डंकी लुक्ड कन्फ्यूज्ड एंड आस्क्ड. तो डंकी जो है वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछने लगता है 10 glasses of 100 each. तो 10 glass जो है वो 100 यानी कि एक ग्लास में 100 आएगा. हाउ मच इज दैट. ये कितना होगा. द फॉक्स गॉट अनदर चांस टू शो ऑफ. तो फॉक्स को एक और चांस मिल जाता है शो ऑफ करने का. जैसे कभी कभार हम आपसे क्या पूछते हैं, क्लास में क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, तो आप क्या करते हो, अपने आप बताने लगते हो कि मैम मैं बताऊं. तो वैसे ही फॉक्स भी हुआ है, शो ऑफ करने लग पड़ती है, उसको मौका मिल जाता है. ही सेड वो कहता है आ दैट इज सिंपल. सिंपल है ये. 10 times 100 milliliters. तो 10 times 100 milliliters कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1000 milliliters. तो आपका वो 1000 milliliters होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 liter के इक्वल होगा. ओके. नाउ यू कैन यू राइट इट. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 multiplied by 100 milliliters दैट इज इक्वल टू 1000 milliliters. तो ये आपके पास 1000 milliliters आ जाएगा. ठीक है. लुक अ ग्रुप ऑफ एंट्स इज मार्चिंग हेयर. तो आप ये देख सकते हैं कि एंट्स जो है वो मार्च करते ही वे उनका एक ग्रुप आ रहा है. द ग्रास होपर सेड. तो उसमें ग्रास होपर क्या कहता है, खीर इज फिनिश्ड. खीर जो है वो खत्म हो गई है. नाउ व्हाट कैन वी डू. अब हम क्या कर सकते हैं. द कैट सैडली. तो कैट ने जो है वो उदासी से कहा, डोंट वरी चिंता मत करो, दे वॉन्ट ड्रिंक मच. वो ज़्यादा नहीं पियेंगे.
ईच ऑफ देम विल टेक ओनली 1 मिलीलीटर, तो उसमें से वो हर एक जो है वो 1 मिलीलीटर ही पिएगा। दैट इज़ द ऑल। आई विल शेयर माई खीर विद देम, तो मैं अपनी खीर जो है उनके साथ शेयर करूँगा। द एलिफेंट सेड एंड वाइप द कैट्स टीयर विद हिज ईयर, तो वो अपने क्या करता है, कैट के आंसू जो है वो साफ करता है। हाउ मैनी आर यू ऑल टूगैदर, एलिफेंट आस्क, एलिफेंट पूछता है कि तुम एक साथ कितने हो। वी आर ओनली 1000, हम जो है वो 1000 है। सेट द आंट्स, तो आंट्स कहती है। द कैट सेट, तो कैट कहती है ओ नो 1000, वी हैव टू गिव खीर टू 1000 एंट, तो हमें 1000 एंट को खीर देनी होगी। ओके, सो आफ्टर थिंकिंग द एलिफेंट सेट, सोचने के बाद एलिफेंट कहता है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आई कैन मैनेज, मैं मैनेज कर लूँगा। ईच एंट ड्रिंक 1 मिलीलीटर ऑफ खीर, तो हर एक आंट जो है वो कितनी खीर पिएगी, 1 मिलीलीटर, क्योंकि एंट जो है वो बिल्कुल ही छोटी होती है, तो उसको कितनी सी चाहिए, बिल्कुल 1 मिलीलीटर ही उसको खीर चाहिए। ओके, सो 1000 एंट्स ड्रिंक 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलीलीटर, सो द एंट्स ड्रिंक 1000 मिलीलीटर, तो एंट्स कितनी ड्रिंक करेगी, 1000 मिलीलीटर, क्योंकि आपके पास क्या है इसमें दिया हुआ, इसमें आपका दिया है कि 1 आपके पास आंट 1 मिलीलीटर ड्रिंक करेगी, तो 1000 आंट जो है वो कितनी ड्रिंक करेगी। ठीक है, सो मल्टीप्लाई इट बाय 1, सो हेयर वी गेट 1000 मिलीलीटर। आ दे विल नीड द सेम एज द 10 फ्रॉग, सेड डंकी, डंकी कहता है कि जैसे 10 फ्रॉग को चाहिए, सेम वैसे ही इन्हें भी चाहिए। ऑल द एंट्स ड्रैंक द खीर, सभी एंट्स ने क्या किया, खीर जो है वो पी ली। एवरी वन वॉज हैप्पी, तो सभी खुश थे। दे सैंग एंड डांस टू सेलिब्रेट द वेडिंग एनिवर्सरी, तो सभी क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सभी जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, हु कैन आई हैव 1 लीटर ऑफ खीर, सो डू यू नो लाइक खीर, क्या आप खीर पसंद करते हो, व्हाट डू यू कॉल इट एट होम, तो आप इसको घर में क्या कहेंगे। अब खीर को आप क्या कहोगे, आप खीर ही कहोगे, और इसका आंसर आपने लिखना है यस, क्या आप पसंद करते हो, यस मैं पसंद करता हूँ, और इसको क्या कहते हैं हम घर में, क्या कहते हैं, खीर ही कहते हैं, सो राइट हेयर खीर। हाउ मच खीर कैन यू हैव, तो आप कितनी खीर जो है वो खा सकते हैं, तो आप इसमें से लिख सकते हो, कोई 200 ml खा सकता है, कोई 300 ml खा सकता है। ठीक है, तो ये आप अपनी चॉइस से लिख लेना। कैन यू ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट 1 टाइम, तो एक ही टाइम में आप 1 लीटर पानी पी सकते हो, तो 1 लीटर पानी में कितना आ जाता है, आपके 3 ग्लासेस आते हैं, तो क्या आप एक साथ 3 ग्लासेस पानी पी सकते हो, सो राइट हियर नो, क्योंकि एक साथ आप 3 ग्लासेस पानी नहीं पी सकते हो। तो यहाँ पर ये कहती है कि आई थिंक आई कैन ड्रिंक 1 लीटर, तो मैं जो है वो 1 लीटर पानी पी सकती हूँ। आई कैन ड्रिंक 400, तो ये कहता है कि मैं सिर्फ 400 ही पी सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका जो 1 लीटर होगा तो उसमें कम से कम 3 ग्लासेस आएंगे, तो 3 ग्लासेस आप एक साथ इनटेक नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट, डंकी इज ट्राइंग टू लुक फॉर डिफरेंट वेज टू ऐड अप 1 लीटर, तो डंकी जो है वो अलग अलग वे से 1 लीटर को ऐड कर रहा है वो। ठीक है, हेल्प हिम टू कम्प्लीट द चार्ट, तो आप उसकी हेल्प करें कि चार्ट को कम्प्लीट करना है। तो ये आपके पास चार्ट गिवन है, तो ये आपका 1 लीटर है दिया हुआ, तो 1 लीटर आपका क्या आ गया, 500 + 500 आपका 1 लीटर आता है। क्लियर, यहाँ पर आपका क्या है, 200 है, तो 200 में हम कितना प्लस करेंगे कि हमारे पास 1 लीटर आए, क्योंकि 1 लीटर में कितना आता है आपका 1000, तो आप यहाँ पर क्या प्लस करेंगे, आप 800 भी आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है, 800 आपने प्लस कर दिया, क्योंकि 800 + 200 आपका कितना आ गया, 1000। अब ये 250 ml आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है, तो आप यहाँ पर भी 250 लिख सकते हैं, और ऊपर आप 500 लिख सकते हैं।
क्योंकि 500 प्लस 250 प्लस 250 आपका 1000 बन जाएगा, क्लियर। इसी के नीचे आपका क्या है, ये 100 है, तो 100 में क्या प्लस करेंगे, 200 करें, 300 करें। अब इनको प्लस करके देखो कितना बना, 3 प्लस 2 प्लस 1 आपके पास बन गया 600, तो नीचे आपका कितना आ जाएगा, 400, क्लियर। अब ये ब्लू वाले में है आपका दिया हुआ, तो ब्लू वाले में कैसे करेंगे आप, यहाँ पर 500 और ये नहीं कर सकते आप, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 600 प्लस 400, क्योंकि 600 प्लस 400 भी आपका 1000 आ जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या है आपका दिया हुआ, इसमें भी आपने 3 इसमें करना है, तो 3 इसमें कैसे करेंगे आप, जैसे आपके पास क्या है ये यहाँ पर लिख दीजिए 400 और 200, ठीक है, क्योंकि 400 आपका 800 बन गया, 800 प्लस 200 आपका कितना बन गया, 1000 बन गया। तो सेम ऐसे आप अपने तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ कंप्लीट पेज नंबर 73।